है हमारी स्प्रिंग एंड फॉल, ये लिखी गई है जिरार्ड मैनले हॉपकिंस ने, जी एम हॉपकिंस लिखा होता है, आपको पूरा नाम याद रखना है, जी एम हॉपकिंस, जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। दिस पोइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइम्स रिटन बाय हॉपकिंस, ये हर पोइम में चलेगी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सैड पोइम्स, ये सैड पोइम्स के अंदर आती है। द पोइम डील्स विद द मोर्टैलिटी ऑफ मैन एंड नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पोइम है इसकी थीम क्या है, मोर्टैलिटी ऑफ मैन एंड नेचर, कि हर चीज़ मर जानी है, हर चीज़ नष्ट हो जानी है। इन द पोइम देयर इज़ अ गर्ल चाइल्ड नेम्ड मार्गरेट, तो पोइम में एक बच्ची है उसका नाम है मार्गरेट। व्हेन शी ऑब्जर्व्स गोल्डन लीव्स फॉलिंग इन द ऑटम सीजन शी गेट्स अपसेट, अब वो बच्ची है बेचारी मासूम सी, उसको जब ये देखती है अपनी आंखों के सामने कि कोई एक पेड़ है उसकी गोल्डन लीव्स हैं और वो जब पत्तियाँ गिर रही हैं तो वो उस गिरती हुई पत्तियों को देख करके उदास हो जाती है। शी डज नॉट नो अबाउट हर ओन मोर्टेलिटी, अब वो बेचारी सोच रही है कि ये पेड़ की पत्तियाँ मर रही हैं, गिर रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उसको वो दुखी तो हो रही है लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक दिन वो भी तो मर जाएगी, वो भी तो नश्वर है। सो द पोइम इज अबाउट ह्यूमन मोर्टेलिटी ऑल्सो, तो ये जो पोइम है ह्यूमन मोर्टेलिटी के बारे में भी है। द पोइम ऑल्सो एल्यूड्स टू द फॉल ऑफ मैन, तो एक तरह से ये पोइम ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि हर चीज़ नश्वर है, हर चीज़ में आदमी भी आ जाता है, आदमी भी नश्वर है। द वर्ल्ड गोल्डन ग्रोव इज इंडिकेटिव ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज, यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया गोल्डन ग्रोव, ये किसको संकेत करता है, पैराडाइज के गार्डन का। ये जो कहानी है ना बाइबल में चलती है जो एडम और ईव की, इस तरह से एडम और ईव गार्डन में थे, एप्पल को खा लेती है ईव और उस एप्पल को खाना मना होता है, वो ट्री ऑफ नॉलेज होता है, तो इससे उनको एक सज़ा मिलती है कि आप स्वर्ग से निष्कासित किए जाते हो, धरती पे फेंक दिया जाता है उनको, उसी की सज़ा आज तक मानव जाति भुगत रही है। तो ये जो बिब्लिकल स्टोरी है ना उसको भी एल्यूड करती है ये पॉइंट। इट मे ऑल्सो स्टैंड फॉर गोल्डन पीरियड ऑफ यूथ, तो गोल्डन ग्रोव जो पेड़ है जिसकी गोल्डन पत्तियाँ लगती है वो एक तो इसका प्रतीक है गार्डन ऑफ पैराडाइज का, और दूसरा वो प्रतीक है यूथ का, कि हमारी जवानी होती है उसमें हम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एंथ्यूजियाज्म होते हैं, लेकिन बाद में मोर्टल हर इंसान है उसको मरना तो है। फ्रॉम द नाइन्थ लाइन वी फाइंड अ चेंज इन द पोइम, द पोइम एक्सप्रेसेस हॉपकिंस कन्विक्शन दैट ऑल्सो रोज स्प्रिंग फ्रॉम वन कॉज मोर्टैलिटी, तो ये जो पोइम है हॉपकिंस के उस कन्विक्शन को, उस विश्वास को भी एक्सप्रेस करती है जो एक चीज़ से उठता है, रोज़ का मतलब उठता है एक चीज़, कौन सी, मोर्टैलिटी से। यानी मोर्टैलिटी हॉपकिंस मानता है कि मोर्टैलिटी जो है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हर कोई नश्वर है, हर किसी को मरना तो पड़ेगा। मार्गरेट विल रियलाइज दिस ट्रुथ व्हेन शी गेट्स ओल्ड, मार्गरेट क्योंकि अभी एक बच्ची है उसको भी इस ट्रुथ का पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र हो जाएगी वैसे वैसे वो इस चीज़ को समझ जाएगी। इन दिस वे वी फाइंड हॉपकिंस हैज़ कॉइन्ड न्यू वर्ड्स, तो इस पॉइंट में हॉपकिंस ने कुछ नए शब्द याद किए हैं, ये गोल्डन ग्रोव जो शब्द है वो डिक्शनरी में नहीं मिलता, अनलिविंग भी नहीं मिलता, अनलिविंग का मतलब गिराना, छोड़ना, वैन वुड लीफ मेल, ये सारे उसने खुद ने वर्ड ईजाद किए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारी जाती है रबी बेनेजा, ये पॉइंट बहुत ही लंबी पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई है, राइटर का नाम याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का समकालीन था, वो भी विक्टोरियन था, ये भी विक्टोरियन है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग खास बात ये कि इन चीज़ के लिए फेमस है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस है। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पॉइम होती है जिसमें दो पात्र होते हैं और एक ही पात्र बोलता रहता है, दूसरा पात्र सिर्फ सुनता है। यानी जो पोइम का जो स्पीकर होता है ना वो किसी को अपनी बात बता रहा होता है, उस बात को बताने के चक्कर में अपने सारे भेद खोल देता है, वो अपने कैरेक्टर की सारी विशेषताएं बता देता है। तो इसमें रबी बेनेजा जो है वो खुद एक स्पीकर है और वो बोल करके अपनी फिलोसफी बता रहा है। यहाँ पे रबी बेनेजा वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1964 इन द वॉल्यूम ड्रामेटिक पर्सनलिटी, कभी कोई पूछा जाता है आपको याद होना चाहिए। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 32 स्टैंजा ऑफ 6 लाइंस, 6 लाइनों के 32 स्टैंजा, इसमें काफ़ी बड़ी पॉइंट है। रबी मीन्स वन लर्न्ड इन थियोलॉजी, तो रबी का मतलब है वो आदमी, इसको रबाई भी बोलते हैं, कहीं रबी भी बोलते हैं, तो रबी का मतलब है थियोलॉजी में विशेषज्ञ एक आदमी, थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र, इसको धर्म क्रम का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं रबी। बेन का मतलब होता है सन, और एज्रा एक बहुत ही फेमस ज्यूइश स्कॉलर था मिडिल एजेस का, मध्यकाल का, तो ज्यूस का जो एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर था उसका बेटा रबाई, उसके बारे में बताया गया है, रबाई जो वो खुद बोल रहा है। इन दिस पॉइंट रबी इज द स्पोक्समैन ऑफ ब्राउनिंग्स फिलोसफी, बोल तो रबी रहा है लेकिन एक्चुअली ब्राउनिंग खुद की फिलोसफी को शो करना चाहता है इसमें, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन ऑप्टिमिस्ट, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की खास बात है कि वो बहुत ही बड़ा ऑप्टिमिस्ट था, ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी व्यक्ति था, वो हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो निराश नहीं होता था, आशा रखने को बोलता था, उसकी पॉइंट्स में भी हमें उसका आशावाद झलकता है काफ़ी। ये पॉइंट भी ऐसी है, द पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड द ग्रेट रबी इज द स्पीकर, तो हमने पढ़ लिया है, बट ही इज द माउथ पीस ऑफ ब्राउनिंग, तो इस पॉइंट में ब्राउनिंग का माउथ पीस है वो, माउथ पीस का मतलब ब्राउनिंग के विचार व्यक्त करता है। द पॉइंट एक्सप्रेस इज ब्राउनिंग ऑप्टिमिज्म, तो ये पॉइंट ब्राउनिंग की ऑप्टिमिज्म को शो करती है, आशावाद को। द पॉइंट इज रिप्लाई टू एपिक्यूरियन फिलोसफर्स लाइक उमर खयाम, तो ये पॉइंट उससे में लिखी गई थी जब उमर खयाम की एक बुक आई थी जिसमें एपिक्यूरियन फिलोसफी शो की गई थी। एपिक्यूरियन का मतलब है खाओ पियो मस्त रहो, रॉबर्ट ब्राउनिंग उसका विरोधी था कि नहीं, ये जिंदगी इसके लिए नहीं मिली है, जिंदगी को बर्बाद नहीं करना इस तरह से खा पी के एंजॉय करके, ये जिंदगी हमें इसलिए मिली है कि तब आने वाली जिंदगी को सुधार सके, जो इस मृत्यु के बाद में जो अगला जीवन है उसको सुधारना हमारा फर्ज है। द स्पीकर वैल्यूएट्स लाइफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओल्ड एज, और खास करके जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वहाँ पे लाइफ का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए बूढ़े आदमी का अपने लाइफ के प्रति, वो बताया गया कि बूढ़ा होने पर दुखी नहीं होना है, बूढ़ा होना तो ये जिंदगी को पूर्ण करता है, बुढ़ापे के बिना जिंदगी अधूरी है, बुढ़ापे में आकर के हमें एहसास होता है कि जिंदगी वास्तव में क्या है, और असली इंजॉयमेंट ही आदमी को बुढ़ापे में आता है, ये इस पॉइंट का सार है। इट शोज द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओल्ड एज, तो इसमें बताया गया है कि ओल्ड एज की क्या सिग्निफिकेंस होती है और वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ स्ट्रगल भी बताई गई है,
ये भी बताया गया कि फेयर इन डेथ जरूरी है, डेथ के अंदर हमें फेयर रखना चाहिए, डेथ से डरना नहीं होता है। डेथ तो वो कहते हैं ना, डेथ तो महबूबा जो साथ लेके जाती है, बस वही बात है, विच इज द गेटवे ऑफ न्यू लाइफ। और डेथ ही एक नई जिंदगी का गेटवे है, नई जिंदगी की शुरुआत होती है डेथ से। इट शोज फेयर इन इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल। और इस पॉइंट में ये भी बताया गया कि आत्मा की अमरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है। आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट सफरिंग सोरोज एंड ऑब्स्टेकल्स। और हमारी लाइफ जो है वो सोरो और ऑब्स्टेकल्स के बिना इनकम्प्लीट है। वो आदमी जिसने जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, तकलीफें नहीं देखी, बाधाएं नहीं देखी, उसकी लाइफ लाइफ नहीं है, फिर इनकम्प्लीट लाइफ है। ओल्ड एज हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट कम्प्लीट्स आवर लाइफ। ओल्ड एज के खुद के अलग फायदे हैं और ओल्ड एज लाइफ को कंप्लीट करती है। द पॉइंट हैज ग्लोरीफाइड द ओल्ड एज। तो वही बात है, ओल्ड एज को बड़ा ग्लोरीफाई किया है। इसकी पहली लाइन यही है, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज यट टू बी। कि मेरे साथ बुढ़े हो, अभी तो बेस्ट आना बाकी है जिंदगी का। ये नहीं है कि जवानी में जिंदगी बेस्ट होती है। द पॉइंट थैंक्स गॉड फॉर नॉट गिविंग हिम व्हाट ही डिजायर्स। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसमें पॉइंट, कि पॉइंट इस पॉइंट में भगवान को उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देता है जो उसको नहीं मिली, जिसकी उसने इच्छा की थी। तो वो कहता है कि ये चीज़ें तो जरूरी हैं, अगर हम जो चाहें वही मिल जाए तो फिर जिंदगी जिंदगी क्या है, जिंदगी वही है जिसमें कमियाँ रह जाए। इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देता है। ये अपने आप में पैराडॉक्स भी है, विरोधाभासी सेंटेंस है। अभी आदमी उस चीज़ के लिए कैसे खुश हो सकता है जो चीज़ उसे नहीं मिली, जो चाहिए और जो नहीं मिली उस चीज़ से उसको आनंद कैसे मिल सकता है। परंतु भगवान कहता है मुझे इसमें आनंद आता है, मैंने जो चाहा वो मुझे मिला नहीं। अवर अनसक्सेसफुल एफर्ट्स आर यूजफुल फॉर द लाइफ टू कम आफ्टर डेथ। उसको लगता है कि ये जो हमारे एफर्ट्स इस लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गए हैं वो अगली लाइफ में काम आएंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द जज ओनली ऑब्वियस एंड ग्रॉस रिजल्ट्स। यहाँ पे मिस्टेक है इस लाइन के अंदर। इसमें यह बता रहा है कि जो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि वो जज करते हैं सिर्फ ऑब्वियस और ग्रॉस रिजल्ट को, वो गलत चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप इसको अलग तरीके से याद कर लेना कि वर्ल्ड डज नॉट, वर्ल्ड जज इज ओनली ऑब्वियस एंड ग्रॉस रिजल्ट। इतना ही होता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, काट के बोलिए आप, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स जज इज ओनली ऑब्वियस एंड ग्रॉस रिजल्ट। कि दुनिया लोग क्या देखते हैं, लोग तो ये देखते हैं कि एट प्रेजेंट इसके पास क्या है, ऑब्वियस जो चीज़ जो दिख रही है वो क्या है इसके पास, और जो रिजल्ट है वो क्या मिले। आगे की दुनिया नहीं देखती, दुनिया को पता चाहिए कि बस आज काम किया आज ही रिजल्ट मिल जाए। ब्राउनिंग कहता है कैसा नहीं है, आदमी जो प्रयास करता है अगर विफल हो गया तो दुनिया की नज़रों में वो फेल है, वैसे फेल नहीं है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट ब्राउनिंग यूजेस ए मेटाफर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट पार्ट में एक ब्राउनिंग एक मेटाफर का यूज़ करता है, मेटाफर का रूपक का यूज़ करता है, वाटर का और व्हील का और क्ले का। एक कुम्हार होता है वो अपने चाक पर जिस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, मिट्टी को तरह से शेप देता है, यहाँ पे वाटर जो है वो भगवान है, भगवान एक वाटर का रोल अदा करता है, और वो जो व्हील है जो चाक है वो परिस्थितियाँ हैं जीवन की, और जो मिट्टी है वो हम होते हैं। तो भगवान हमें दुनिया की परिस्थितियों के अंदर डालता है और उन परिस्थितियों से हमारे को एक नया रूप देता है वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना कि पॉटर गॉड है, व्हील जो है लाइफ की एक्सपीरियंस है, और क्ले जो है वो आदमी है। गॉड होल्ड्स अस ऑन द व्हील टू मेक आवर करेक्ट शेप। तो गॉड हमें उस व्हील पे रखता है, लाइफ एक्सपीरियंस पे रखता है, और हमें करेक्ट शेप देता है। तो जब हम परेशान होते हैं तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें कुछ ना कुछ बना रहा है, हमें कुछ शेप दे रहा है, तभी हमें कष्ट आ रहे हैं। सो द पॉइंट शोज ब्राउनिंग अनशेकेबल फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। तो इस पॉइंट में हमें ब्राउनिंग का फेद मिलता है, किस तरह से ब्राउनिंग का भगवान पे अटूट विश्वास है, अनशेकेबल फेद है गॉड में और रिलीजन पे भी। द पोइम इज ए ग्रेट रिलीजियस पोइम। तो ये पोइम जो है इसको हम रिलीजियस पोइम भी कह सकते हैं। द पोइम टीचेस अस दैट द फेलियर इन दिस लाइफ मीन सक्सेस टू लाइफ टू कम। और ये पोइम हमें ये भी बताती है कि इस दुनिया में अगर हम फेल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें प्रयास जारी रखने हैं और अगली लाइफ में हम जरूर कामयाब होंगे। यानी ब्राउनिंग जो है इस दुनिया को ही अंतिम दुनिया नहीं मानता है, उसके हिसाब से मरने के बाद भी और जिंदगी है। अकॉर्डिंग टू ब्राउनिंग द वर्स्ट सिन इज पैसिव एक्सेप्टेंस। ब्राउनिंग के हिसाब से सब कुछ मान लेना, सब कुछ किस्मत का हवाला देकर के कह देना कि मेरी तो किस्मत में यही है, बस ऐसा ही होना था, खुद कुछ ना करना वो वर्स्ट सिन है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो काम करने के लिए दिए हैं, ऐसा मान लेने के लिए नहीं है कि हाँ जो हो गया वो हो गया, यही लिखा था मेरी किस्मत में, ये सबसे बुरा सिन है। तो इस पॉइंट पे कुछ मेमोरेबल लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो आप थोड़ा सा देख लो, समझ लो, एक्सप्लेनेशन में काम आ सकती हैं। जो पहली लाइन है, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। मेरे साथ बुढ़े हो, अभी तो बेस्ट आना बाकी है। What I aspired to be and was not comforts me। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें वो कहता है कि जो कुछ मैं बनना चाहता था और बन नहीं पाया, इस चीज़ से मुझे कंफर्ट मिलता है, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। ज़्यादातर उल्टा होता है, हम दुखी रहते हैं, जो बनना चाहते हैं बन नहीं पाते, वो कहता नहीं मैं खुश हूँ। दिस आई वॉज वर्थ टू गॉड हुज व्हील द पिक्चर शेप। तो ये वो पॉटर वाली बात होगी कि ये जो व्हील है लाइफ के एक्सपीरियंसेस है और भगवान हमें शेप देता है। रिजॉइस वी आर अलाइव टू दैट विच डथ प्रोवाइड एंड विल नॉट पार्ट एक इफेक्ट बट नॉट रिसीव। ये चौथी लाइन है, इस लाइन को आप याद रखना, एक्सप्लेनेशन वगैरह में काम आ सकती है। अगली सब पोइम आती है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरो। ये टी एस इलियट की लिखी हुई है, इसका पूरा नाम है टॉमस स्टर्न इलियट। द पोइम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1917, ये 1917 में हुई थी पब्लिश। ये इंटरनल मोनोलॉग है, अभी जो पीछे वाली पोइम पड़ी थी वो ड्रामेटिक मोनोलॉग था। तो इंटरनल मोनोलॉग होता है व्यक्ति के अंदर ही की बातचीत। जैसे हम कभी कभी सब सोचते हैं तो हम अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला, तो हम अपने आप से बात करते हैं। तो ये जो पोइम है उस तरह की इंटरनल मोनोलॉग है, अंदर की बातचीत है आदमी की कॉन्शियसनेस की खुद से। तो द टू पर्सन आई एंड यू आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ प्रूफरो। तो इसमें जो दो व्यक्ति हैं जिसमें वो आई और यू बोलता है,
तो वो कोई अलग अलग आदमी नहीं है, वो एक आदमी के दो एस्पेक्ट्स हैं। द पोइम शोज द होलोनेस स्टेरिलिटी बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना कि ये जो पोइम है मॉडर्न दुनिया की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की होलोनेस, खोखलेपन को, स्टेरिलिटी, बंजरता को, बोर्डम को और उठा को, निराशा को शो करती है। द पोइम इन द पोइम प्रूफ रॉक इज गोइंग टू स्पेसिफिक मॉडर्न पार्टी पार्टी। इसमें एक पात्र है प्रूफ रॉक जिसका इंटरनल मोनोलॉग चलता है, जिसके मन की बात हमें बताई गई है, वो एक पार्टी में जाने वाला होता है। ये जो प्रूफ रॉक आदमी है ये बहुत ही अनस्टेबल आदमी है, फेलियर है, जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया है और बहुत ही डरपोक टाइप का आदमी है, डिसाइड नहीं कर पाता, डिसीजन लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके मन में क्या चलता है वही इस पॉइंट में दिखाया गया। तो उसको एक पार्टी में जाना है और वहाँ पार्टी में जाने का उसका एक पर्पस है। इट इज़ ए लेडीज़ डोमिनेटेड पार्टी, जो पार्टी है उसमें लेडीज़ ज़्यादा हैं और प्रूफोक को उस एक लेडी से प्यार है जो इस पार्टी में आई है। हिज मिशन इज टू प्रपोज इज लेडी, तो वो उसका मिशन क्या है पार्टी में जाने का कि उसको उस लेडी को प्रपोज करना है। बट ही इज़ एन इररेजोल्यूट पर्सन, परंतु वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी बात पर टिका नहीं रहता, डरता है, वो इररेजोल्यूट है यानी दृढ़ निश्चय नहीं है। फॉर हिम द सिंपलेस्ट आ गया, सिंपलेस्ट डिसीजन इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट स्ट्रेन, स्पेकुलेशन एंड डिस्ट्रेस। उसके लिए एक सिंपल सा डिसीजन भी, यानी जिंदगी में कोई भी सिंपल सा डिसीजन लेना हो ना तो वो स्ट्रेन हो जाता है, तनाव में हो जाता है, स्पेकुलेट करता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, और डिस्ट्रेस में आ जाता है, निराशा में आ जाता है। ही विजिट्स द पार्टी इन इमेजिनेशन, तो वो पार्टी में जाने से पहले ही पार्टी की बातें सोचने लग जाता है कि पार्टी में ये होगा, पार्टी में वो होगा। तो यही इस पॉइंट की खासियत है, इंटरनल मतलब आपस में बात करता रहता है वो, तो इमेजिनेशन में चला जाता है और रिटर्न विदाउट अकम्प्लिशिंग हिज गोल। और इमेजिनेशन के अंदर भी वो प्रपोज नहीं कर पाता उसको, इमेजिनेशन में ही वो वापस आता है पार्टी से बिना काम किए, बिना अपने गोल को अकम्प्लिश किए, तो इसलिए वो एक फेलियर है। द पोइम स्टार्ट्स विद एन एपिग्राफ फ्रॉम डांटेज इन्फर्नो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस पोइम की, कि इस पोइम की जो शुरुआत होती है ना वो दांते की एक बहुत ही फेमस पोइम है इन्फर्नो, उसकी चार लाइनों से होती है शुरुआत। अब याद रखना कि पोइम की शुरुआत एपिग्राफ से होती है। द एपिग्राफ थ्रोज लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, और उस एपिग्राफ से हमें इस पोइम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है कि ये पोइम किस बारे में होने वाली है। उस पोइम में उस इन्फर्नो की जो चार लाइन है उसमें ये बात बताई गई है कि जो आदमी हेल में चला जाता है एक बार, तो हेल में आकर के, नरक में आकर के वो अपने सिन किसी को भी बता सकता है, क्योंकि उसको डर नहीं है कि उसकी कोई बदनामी हो जाएगी, क्योंकि हेल में जो एक बार आ जाता है वो वापस दुनिया में जाता नहीं है, वो हमेशा हेल में रहता है। तो इसी में ये बात बताया गया कि प्रूफ रॉक जो है वो अपनी बातें खुल करके बोल देता है इस पोइम के अंदर, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। द टाइटल ऑफ द पोइम शोज द फॉल फ्रॉम द सबलाइम टू द लो। अब इस पोइम का टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक। इससे ही पता लगता है कि किस तरह से बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की ओर हम आते हैं। यानी लव सॉन्ग जो है वो तो एक बहुत ही अच्छा टाइटल है, बहुत ही ऊंची बात लगती है, लव सॉन्ग है तो पता नहीं क्या ही होगा इसके अंदर, लेकिन जब बात आती है लव सॉन्ग है किसका, जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक का है। जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक से हमारे दिमाग में एक ऐसे आदमी की इमेज बनती है जो बहुत ही कमजोर है, टिमिड है, डरपोक है और फिकल माइंडेड है, यानी उसका मन एक जगह पर टिकता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये तो लव सॉन्ग किस तरह का होगा। फिर तो शुरुआत इस तरह होती है पोइम के नाम की, लव सॉन्ग, आगे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक, तो एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब शुरुआत तो बड़ी जोर शोर से होती है लेकिन एंड बहुत ही हल्का सा होता है। तो आगे लिखा भी हुआ है लव सॉन्ग इज सब्लाइम एंड प्रूफ रॉक इज लो। याद रखना आपको टाइटल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। द पोइम हैज मेनी ब्रीफ लाइंस एंड मेनी क्वेश्चन मार्क्स आर आल्सो देयर। ये पोइम में छोटी छोटी लाइनें हैं और क्वेश्चन मार्क्स भी हैं कई। सेंटेंस अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स ए क्लाइमैक्स बट एक्चुअली इट एंड्स विद एन एंटी क्लाइमैक्स। बहुत सारे इसमें सेंटेंस है, इट्स आएगा, इट्स सेंटेंसेस अपीयर्स टू हैव टू मूव टुवर्ड्स क्लाइमैक्स। ऐसा लगता है कि इसके सेंटेंस क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि उनका अंत जबरदस्त शानदार होने वाला है, लेकिन होता है एंटी क्लाइमैक्स, यानी अंत बिल्कुल ही अस्यास्पद सा होता है। द स्टाइल ऑफ द पोइम इज कन्वर्सेशनल। पोइम का स्टाइल कन्वर्सेशनल है, यानी बातचीत के स्टाइल में लिखी गई है। इट इज रेफ्लेक्ट विद इकोज ऑफ डैंटे, हैमलेट, डन, मार्वल एंड द बाइबल। तो इलियट की खास बात यह है कि वो बड़ा ही लर्न्ड पर्सन था, उसने बहुत कुछ पढ़ रखा था, तो जो उसने पढ़ाई की हुई थी उन सभी के एल्यूजन वो अपनी पॉइंट्स में देता था। तो यहाँ पे देखो हैमलेट का एल्यूजन है, डन का है, मार्वल का है, बाइबल का भी है। एट एवरी टर्न वी आर रिमाइंडेड ऑफ द टिमिड एंड अनसर्टेन नेचर ऑफ प्रूफ रॉक। और बहुत सारी जगहों पर हमें प्रूफ रॉक का अनसर्टेन और टिमिड नेचर में दिखाई देता है इस पॉइंट के अंदर, किस तरह से वो बड़ा ही नेचर उसका जो है वो बड़ा डरपोक सा है। प्रूफ रॉक इज ऑब्सेस्ड विद हिज ओवरवेलमिंग क्वेश्चन दैट इज टू प्रपोज इज लेडी। तो प्रूफ रॉक के दिमाग में बस एक ही चीज चलती रहती है कि उसको प्रपोज करना है अपनी लेडी को, तो वो किस तरह से उसको प्रपोज करेगा। और वो प्रपोज करने वाला जो क्वेश्चन है उसको उसने बोला है ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। ओवरवेलमिंग क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो उसके दिमाग में हमेशा छाया रहता है। ही कीप्स पोस्टपोनिंग इस टास्क ऑफ प्रपोजिंग, क्योंकि उसको डर लगता है रिजेक्शन का, तो वो बहुत पूछता ही नहीं है, वो सोचता है कि पूछा और रिजेक्ट हुआ, पूछा और रिजेक्ट हुआ। तो इसमें बहुत सारी इमेजेस यूज की गई हैं। द पोइट हैज आएगा यहाँ पे, हैज यूज द इमेजेस ऑफ सॉर्डिड सिटी लाइफ, कॉफी स्पून, मैजिक लैंटर्न, चिमनीज। आपको याद रखने ये सिंबल है मॉडर्न सिविलाइजेशन की स्टेबिलिटी के। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में उसमें लिख सकते हो, कोई छोटा क्वेश्चन है उसके अंदर। व्हेन द इवनिंग स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, तो जो शुरुआती लाइन है इसमें आसमान के वातावरण का वर्णन किया गया, तो इवनिंग को पेशेंट से कंपेयर किया गया है। टू लीड टू यू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट। तो वो एक जगह बात करता है पार्टी में जाने से पहले, अपने आप से पूछता है कि वो ओवरवेलमिंग क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा लेकिन मुझसे पूछो मत वो क्वेश्चन क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। ओवरवेलमिंग क्वेश्चन क्या है, प्रपोज करना बिलवड को। इन द रूम द वुमन कम एंड वो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये जो पार्टी है ये मतलब हाई क्लास लोगों की पार्टी है, हाई फाइव लोगों की पार्टी है, तो उसमें औरतें ज़्यादातर किस बात पे डिस्कशन करती हैं, कल्चर पे, एजुकेशन पे, आर्ट पे। तो ये माइकल एंजेलो उसी का करती है। माइकल एंजेलो एक बहुत ही फेमस मूर्ति बनाने वाला कलाकार था, तो वो कहता है कि वो जो पार्टी ऐसी वैसी नहीं है, वहाँ पे औरतें माइकल एंजेलो की बातें करती हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, वो अपने जो प्रपोज करने वाला जो टास्क है उसको वो पोस्टपोन करता है, बाद में टाइम है बाद में कर लेंगे। देयर विल बी टाइम ये भी वही बात बताता है कि वो पोस्टपोन करता रहता है अपने प्लान को। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी एंड स्पून, ताकि वो ये कहता है कि मैंने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी कॉफी पीने में बिता दी है।
शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस। आगे वो कहता है कि पार्टी जब खत्म हो जाएगी, सब कुछ ले चुके होंगे, खा पी रहे होंगे, उसके बाद क्या मैं प्रपोज कर सकता हूँ? उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। इफ़ वन सेटलिंग ए पिल्लो बाय हर हेड शुड से दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट ऑल दैट इज़ नॉट एट ऑल। लास्ट में उसको ये लगता है कि अगर मैंने प्रपोज कर भी दिया तो कहीं वो लड़की मेरी बात को हंसी में ना उड़ा दे, कहीं वो ये कह दे कि नहीं मेरा तो ये मतलब था ही नहीं, मैंने तुम्हें इस नज़र से कभी देखा ही नहीं, मैंने तुमसे नॉर्मली बात की थी, तुम क्या समझ गए हो, कहीं वो ऐसा ना सोच ले। वो खुद ही बनाता रहता है अपने दिमाग के अंदर हवाई के लिए। ओके, अब आते हैं अपने अगली पॉइंट पे, द सेकंड कमिंग। ये डब्ल्यू बी यीट्स की लिखी हुई है, विलियम बटलर यीट्स की। इसमें भी निराशा का वातावरण है। इट इज़ रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर डिस्ट्रक्शन एनार्की। तो ये उस समय लिखी गई 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और जगह जगह युद्ध चल रहे थे, तो डब्ल्यू बी यीट्स बड़ा ही निराश था वातावरण से। तो ये 1919 में लिखी गई है। इसके भी दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 8 लाइंस है, बाद में 14 लाइंस है। द पोइम ओपन्स विद द इमेज ऑफ अ फ्लाइंग फाल्कन। पोइम की शुरुआत यही होती है फाल्कन और फाल्कनर से। तो फाल्कन जो है वो बाज होता है और फाल्कनर वो आदमी होता है जो बाज को उड़ाता है। तो यहाँ पे पोइम ये कहता है कि फाल्कन और फाल्कनर का कॉन्टैक्ट टूट रहा है। फाल्कन जो है वो उड़ता जा रहा है और फाल्कनर से दूर होता जा रहा है। तो यहाँ फाल्कन का मतलब इंसान से है और फाल्कनर का मतलब है भगवान। पुराने टाइम में भगवान और इंसान का रास्ता बना हुआ था, आजकल की सिविलाइजेशन के अंदर भगवान और जो इंसान है वो दूर होते जा रहे हैं। द फाल्कनर इज अनएबल टू कंट्रोल द फाल्कन, इट मीन्स मैन हैज लॉस्ट इट्स कनेक्शन फ्रॉम गॉड। इन द फर्स्ट पार्ट द पॉइंट डिस्क्राइब्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। तो पहले पार्ट में बताया जाता है किस तरह से जो क्रिश्चियन सभ्यता है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, वो टूट रही है। क्रिश्चियनिटी हैज ब्रोकन डाउन एंड अनार्की वायलेंस एंड डिसबिलीफ हैव टेकन प्लेस। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो ब्रोक डाउन कर गई है, असफल हो गई है, खराब हो गई है, और उसकी जगह अनार्की आ गई है। अनार्की यानी अराजकता आ गई है, हिंसा ने ले ली है और अविश्वास आ गया हर तरफ। द सेकंड पार्ट प्रेडिक्ट्स द कमिंग ऑफ ए बीस्टियल सिविलाइजेशन। और दूसरा पार्ट है उसमें वो बताता है कि किस तरह से क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की जगह अब एक बीस्टियल सिविलाइजेशन आएगी, एक जंगली सभ्यता आने वाली है, क्योंकि चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, आदमी आदमी को मार रहा है, खून खराबा हो रहा है। तो वो नहीं, उसको अब आस्था से विश्वास उठ गया उसका कि अब कुछ नहीं होने वाला है। द पोइट सीज़ अ फिगर विद द हेड ऑफ ए मैन एंड ए बॉडी ऑफ ए लायन। तो पोइट जो है एक ऐसी इमेज को देखता है इसमें जो वर्तमान सभ्यता को शो करती है। वर्तमान सभ्यता क्योंकि खून खराबे वाली है, तो वो एक ऐसा फिगर देखता है जिसका हेड जो है वो तो आदमी का है लेकिन उसकी बॉडी लायन की है, यानी इंसान का मुखोटा मुखोटा रह गया, बस बाकी सारी चीज़ें शेयर की है, यानी जंगली हो गई। इट मूव्स इन द डेजर्ट एंड इट इज सराउंडेड बाय डेजर्ट बर्ड। तो वो देखता है उस फिगर को कि वो रेगिस्तान के अंदर चल रही है। रेगिस्तान का मतलब यही है कि जब सारी सभ्यता आपस में लड़ मरेगी तो रेगिस्तान ही बचेगा, और जब वो आगे बढ़ती है तो उसके चारों ओर चीलें मंडराती हैं, उसके ऊपर ऊपर डेजर्ट बर्ड्स मंडराते हैं। वो एक अपशकुन का संकेत है क्योंकि वो जो बीस्ट है जहाँ भी जाता है ना वहाँ तबाही लेके आता है। तबाही युद्ध आता है, मारकाट होती है, तो लाशें भिजती हैं, लाशें भिजती हैं, तो वो जो जानवर हैं, वो जो पक्षी जो उड़ रहे हैं वो खाते हैं, तो वो उसके ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। तो उसको ये लगता है कि ये जो स्पिरिटस मुंडी को शो कर रहा है, स्पिरिटस मुंडी इसमें एक वर्ड आएगा आगे, स्पिरिटस मुंडी का मतलब है वर्तमान समय की स्पिरिट, वर्तमान समय की भावना। तो ये शो कर रहा है कि वर्तमान लोगों की भावना यही है कि बस एक दूसरे को मार काट कर दो, जिंदा मत छोड़ो। तो वो जो बीस्ट है ना वो उस मॉडर्न स्पिरिट को शो करता है कि यही है मॉडर्न स्पिरिट। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स मॉडर्न मैन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ वॉर कन्फ्लिक्ट एंगर एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये जो फिगर है ना, जो बीस्टली फिगर है, वो इस चीज़ को शो करती है आदमी का एटीट्यूड बिहेवियर किस तरह से वॉर का है, कन्फ्लिक्ट का है, एंगर का है और डिस्ट्रक्शन का है। दिस फिगर इज गोइंग टू बेथलेहम वेयर क्राइस्ट वॉज बोर्न एट दिस टाइम। तो वो जो फिगर है वो कहाँ जा रही है? बैथलेहम जा रही है। बैथलेहम है भगवान ईसा का जन्मस्थान। तो एक्चुअली इस पोइम का नाम है द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग का एक्चुअल मतलब तो ये है कि क्राइस्ट फिर से आएंगे इस दुनिया का उद्धार करने के लिए, क्योंकि तो जब जब पाप बढ़ेगा तो क्राइस्ट आएंगे। लेकिन डब्ल्यू बी यीट्स यहाँ पे सेकंड कमिंग के बारे में जब सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि भगवान क्राइस्ट तो नहीं आने वाले, अब तो कोई और ही आएगा भगवान क्राइस्ट को छोड़ करके, और वो और वो वही है जो जो उसने जो चित्र देखा था आदमी का सिर और बॉडी लाइन की। तो उसको ये लग रहा है कि भगवान क्राइस्ट की बजाय तो अब तो ये बीस्ट आने वाला है जो पूरी दुनिया को खत्म ही कर देगा। तो कोई सेकंड कमिंग नहीं होने वाली है, सेकंड कमिंग दूसरी टाइप की होने वाली है। कि सेकंड कमिंग जो टाइटल है ना आयरोनिकल है, आयरोनिकल का मतलब क्या है, कुछ और मतलब कुछ हो रही है। तो सेकंड कमिंग वो सेकंड कमिंग नहीं है जो क्राइस्ट ने जिसका वादा किया था, अब तो ये सेकंड कमिंग डिस्ट्रक्शन की सेकंड कमिंग है। दिस फिगर इज सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये जो फिगर है ये डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। द डेजर्ट इज सिंबल ऑफ प्रेजेंट सिविलाइजेशन। और डेजर्ट वर्तमान सभ्यता का सिंबल है, वर्तमान सभ्यता एकदम बैरन हो गई है। द टाइटल ऑफ द पोइम हैज इट सोर्स फ्रॉम द बाइबल। तो उसका जो बाइबल से ही सोर्स है सेकंड कमिंग, मैंने बताया आपको क्राइस्ट का पुनर्जन्म। सो इन द पोइम द पोइट टॉक्स अबाउट द सेकंड कमिंग, इट इज नॉट द सेकंड कमिंग इन विच क्राइस्ट वाज़ टू कम, इट इज द सेकंड कमिंग ऑफ डेवास्टेशन। तो ये सेकंड कमिंग है, ये डेवास्टेशन की सेकंड कमिंग है, बर्बादी की सेकंड कमिंग है। द स्पिरिटस मुंडी, ये जो था स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड मैंने बताया था आपको, हैज़ कॉज्ड द सेकंड कमिंग। और ये सेकंड कमिंग हुई क्यों? क्योंकि वर्तमान जो लोगों की थिंकिंग है, स्पिरिटस मुंडी जो है, वर्तमान लोगों की सोच है वो ऐसी ही है जिससे बर्बादी तो होनी होनी है। द पोइम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। अब इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं इसकी। द फाल्कनर कैन नॉट हियर द फाल्कनर, फाल्कनर नहीं आएगा, फाल्कन आएगा। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। तो फाल्कन जो है वो बाज है, फाल्कनर यहाँ पर फाल्कन मैन को रिप्रेजेंट करता है और फाल्कनर बोर्ड को। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब ये है विनाश हो रहा है, और सेंटर जो है उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, नहीं भगवान का कंट्रोल नहीं रहा, आदमी भी भगवान से जुड़ा हुआ है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। आगे वो कहते हैं हाँ सेकंड कमिंग होगी, लेकिन सेकंड कमिंग वो नहीं होगी जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे, क्राइस्ट वाली सेकंड कमिंग, तो दूसरी डेवस्टेशन वाली हो रही है। इट्स आवर हैज कम राउंड एट लास्ट, इसका समय आ गया है। अब वो जो फिगर थी उसका बताया गया, स्लाउचिज टूवर्ड्स बैथलेहम टू बी बॉर्न। और वो जो स्पिरिट है, वो जो फिगर है, वो बैथलेहम की ओर जा रही है और वो दोबारा से जन्म लेने वाली है। अगला है द सोल्जर, ये छोटी सी पोइम है, सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक की लिखी गई है। उसको वॉर पॉइंट बोला जाता है। ही फॉट फॉर इंग्लैंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक था, इंग्लैंड की ओर से लड़ा था, तो उसमें इंग्लैंड के प्रति देशभक्ति बड़ी कूट कूट के भरी हुई थी।
तो उसने जो पोइम्स लिखी है एक सोल्जर की मनस्थिति बताती है, इतना प्यार करते हैं अपनी मातृभूमि से। ये वॉर पोइम है, सोनेट है 14 लाइन की, और इसका जो मेन थॉट है वो ये है कि वो कहाँ जहाँ कहीं भी दफनाया जाएगा उसको, वो खुद की बात कर रहा है कि मुझे जहाँ भी दफनाया जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड से बाहर युद्ध लड़ रहा है, वो कहता है कि इंग्लैंड से बाहर जहाँ भी मैं मरूंगा, जहाँ भी मुझे दफनाया जाएगा, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मैन है, उसने पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड का खाया है, इंग्लैंड की हवा में सांस लिया है, इंग्लैंड की गलियों में घूमा है, वो तो वो खुद इंग्लैंड है। वो जहाँ वो दफन होगा समझ लो वो जगह इंग्लैंड होगी। ये इसकी थीम है कि वेर एवर ए मैन डाइज फॉर इंग्लैंड इज बरीड, दैट प्लेस बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड फॉर एवर। कि जहाँ कहीं भी वो आदमी जो इंग्लैंड के लिए मरता है उसको दफनाया जाता है, तो वो प्लेस हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाता है। द पॉइंट एक्सप्रेसेस द पैट्रियोटिज्म ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, तो इसमें इंग्लिश सोल्जर का पैट्रियोटिज्म शो किया गया है। द पॉइंट हिमसेल्फ इज ए सोल्जर एंड ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज डस्ट ऑफ इंग्लैंड, तो वो खुद एक सोल्जर था और अपने आप को इंग्लैंड की धूल मानता है। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, ही हैज रोम्ड ऑन इंग्लिश सोइल एंड ही हैज ब्रेथ्ड इंग्लिश एयर, तो उसने इंग्लिश सोइल में वो घुमा फिरा है, उसने इंग्लिश सांस ली है। आफ्टर हिज डेथ ही विल इंस्पायर पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर इंग्लैंड इन हिज कंट्री में, वो जब वो मर जाएगा तो वो इंग्लिश लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास करेगा। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस ये है जो आपके काम आ सकती हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट लाइंस, आप ये जरूर याद करके जाना, और इस पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप उसको करेक्ट जरूर कर लेना।